हे वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं GSM बेस्ड स्मार्ट डस्टबिन। स्मार्ट डस्टबिन जिसमें डस्टबिन फुल होते ही आपके मोबाइल में एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा। यह आप किसी भी तरह के डस्टबिन में फिट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें पहला कंपोनेंट चाहिए वो है एक GSM मॉड्यूल। हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं GSM 900 मॉड्यूल। आप चाहें तो GSM 800 वाला भी यूज कर सकते हैं जो 2G नेटवर्क पर काम करता है। उसके बाद हमें चाहिए एक आर्डुइनो का बोर्ड। हम यहाँ आर्डुइनो ऊनो यूज कर रहे हैं, कोई सा भी आप आर्डुइनो का बोर्ड यूज कर सकते हैं। इसके बाद चाहिए हमें एक इंफ्रारेड सेंसर। इसमें 3 वायर आपको देखने को मिलेंगे जिसकी पोलैरिटी और कलर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो 5 वोल्ट पावर सप्लाई पर काम करता है। कनेक्शन के लिए जम्पर वायर्स लगेंगे हमें। और एक पावर सप्लाई हम यहाँ यूज कर रहे हैं 12 वोल्ट 2 एम्पियर का पावर सप्लाई। दोस्तों यहाँ पर हमें कम से कम 2 एम्पियर का ही पावर सप्लाई चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। सारी चीजों को खरीदने का लिंक, ऑनलाइन लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। और फाइनली हमें अपने हिसाब से एक डस्टबिन चाहिए, कोई सा भी डस्टबिन, छोटा बड़ा जिस टाइप का आप चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। मैं इस तरह का यूज कर रहा हूँ। तो पूरा सामान आप अरेंज कर लीजिए। ऑनलाइन खरीदने के लिए लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो पास के ऑफलाइन मार्केट में भी इसको खरीद सकते हैं। दोस्तों आप GSM मॉड्यूल में लगाने के लिए एक सिम कार्ड लेंगे, जिसको आप सबसे पहले अपने मोबाइल में लगा लेंगे। इसमें हमें एक नंबर सेव करना है जिस पर मैसेज आना है। तो सिम कार्ड को लगाने के बाद हम जाएंगे सेटिंग में, उसके बाद सिम कार्ड कॉन्टैक्ट में जाएंगे और फिर यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट सेव करेंगे। यहाँ पर SG प्रोजेक्ट्स के नाम से अपना 10 अंकों का डिजिट अपने कंट्री कोड के साथ इस तरह से लगाएंगे, यानी +91, जैसे आप इंडिया में रहते हैं +91 के साथ अपना 10 अंकों का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों ये वो नंबर है जिस पर अपना जो प्रोजेक्ट है वो मैसेज करेगा, अलर्ट मैसेज। तो इस कॉन्टैक्ट को हम अपने सिम कार्ड में सेव करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, इसको सिम कार्ड में ही सेव करना है, ना कि फोन बुक में। तो सिम कार्ड अपना रेडी हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, ये जो GSM मॉड्यूल है इसका जो एंटीना है इसमें लगा हुआ है, इसको अच्छे से टाइट रहना चाहिए, वरना ये नेटवर्क ठीक से नहीं दिखाएगा। और ये 2G नेटवर्क पर काम करता है ये जो GSM मॉड्यूल है, GSM 900। तो देखिए दोस्तों, अगर आप जियो का 4G वाला सिम लेते हैं तो इसमें काम नहीं करेगा। आपको वो सिम कार्ड चाहिए जो 2G नेटवर्क पर भी काम करता है। तो सिम कार्ड को हम इसके पीछे इस तरह से लगा लेंगे। तो हमारा ये GSM मॉड्यूल रेडी हो चुका है। अब इसे हम अपने आर्डुइनो बोर्ड के साथ कनेक्शन करना शुरू करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम की तरफ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैसे सर्किट को बनाना है उसको पहले मैं समझा दे रहा हूँ। ये सर्किट को बनाना काफ़ी आसान है, कनेक्शन करना काफ़ी आसान है। तो आर्डुइनो में आप देख सकते हैं जो 5 वोल्ट का पावर सप्लाई है वो सबसे पहले हम अपने सेंसर में देंगे, 5 वोल्ट और ग्राउंड का पॉजिटिव और नेगेटिव। और इंफ्रारेड सेंसर का जो आउट पिन है वो आर्डुइनो के पिन नंबर 8 पर जाएगा। और जो GSM मॉड्यूल है उसके ग्राउंड पिन को भी हम आर्डुइनो के ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो TX और RX का पिन है उस पर ध्यान देंगे, जो GSM मॉड्यूल और आर्डुइनो के बीच जो TX और RX का पिन है। यहाँ पर पिन नंबर 2 आर्डुइनो का वो RX पिन है जो GSM मॉड्यूल के TX के साथ कनेक्ट होगा, जो यहाँ पर ग्रीन वाला दिख रहा है। और वैसे ही आर्डुइनो का यहाँ पर पिन नंबर 3 जो TX है, जो ब्लू कलर का यहाँ पर वायरिंग दिख रहा है, वो GSM मॉड्यूल के RX के साथ कनेक्ट होगा। तो डायग्राम को देख के आप काफ़ी आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए सर्किट के हिसाब से हम अपने बोर्ड को कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों इस कंप्लीट सर्किट को 12 वोल्ट का पावर सप्लाई चाहिए होगा।
12 वोल्ट 2 एम्पियर का। तो ये हमारा पूरा कनेक्शन हो चुका है। तो अब इस इंफ्रारेड सेंसर को हम अपने डस्टबिन के टॉप लेवल पर लगाएंगे, जहां पर डस्टबिन फुल हो जाता है। तो सेंसर को जहां पर मुझे लगाना है पहले वहां पर निशान लगा लूंगा और एक होल बना दूंगा। होल करने के लिए मैं यहां पर एक ड्रिल का यूज कर रहा हूं, ड्रिल मशीन से इसको मैं होल कर लूंगा। तो अब प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। आर्डिनो को अब प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हम अपना आर्डिनो का जो आईडी है, सॉफ्टवेयर है, उसे ओपन कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो मैं प्रोग्राम आपको दूंगा वो 100% वर्किंग प्रोग्राम है। तो ये जो प्रोग्राम है मैं आपको जिप फाइल के तौर पर दूंगा। जिप फाइल को खोलने के लिए आपको एक पासवर्ड चाहिए होगा, 1202 इसका पासवर्ड है। तो थोड़ा सा हम प्रोग्राम को समझ लेते हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं उसी को समझाता हूं ताकि आपको कनेक्शन करने के बाद थोड़ा समझने में आसानी हो। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि हम सॉफ्टवेयर सीरियल का जो हेडर फाइल है उसको यूज कर रहे हैं। तो पिन नंबर 2 और 3 जो RX और TX आर्डिनो में है उसे हमने सीरियल की तरह यूज किया है। और देखिए दोस्तों, GSM मॉड्यूल जो है वो कुछ 80 कमांड्स पर काम करते हैं। तो यहाँ पर वो 80 कमांड्स, मैसेज, इन सब के लिए यूज किया गया है। इस वाले लाइन को देखते हैं जहाँ ये MSG लिखा है, ये अपना मैसेज है। यहाँ पर हमने मैसेज को टाइप करके रखा है, अलर्ट डस्टबिन फुल। इसको आप चाहे तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई सा भी मैसेज आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर उसके नीचे जो दिखाई दे रहा है ये वाला लाइन, ये PB यानी फोन बुक, ये वो नंबर है जिस पर अपना GSM मॉड्यूल इस नाम को सर्च करता है। यहाँ पर हमने SG प्रोजेक्ट्स नाम यूज़ किया था, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले इसी नाम पर अपना नंबर सेव किया था सिम कार्ड पर, ये उसी नंबर पर मैसेज करता है। आर्डिनो के पिन नंबर 8 हमारा इनपुट पिन है, जो इंफ्रारेड सेंसर से इसे सिग्नल मिलता है। तो पिन नंबर 8 को हमने सिग्नल पिन की तरह यूज़ किया है। यहाँ पर पिन नंबर 12 और पिन नंबर 13 भी आप ऑप्शनली LED आउटपुट देखने के लिए यूज कर सकते हैं। पिन नंबर 12 जो है वो डस्टबिन फुल होने पर दिखाता है, और पिन नंबर 13 जो है वो इसके स्टेट को दिखाता है, बिजी है या सिग्नल मिल रहा है, इन सारी चीज़ों को। दोस्तों जब पावर सप्लाई देना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में 60 सेकेंड यानी 1 मिनट के लिए हमें वेट करना पड़ता है ताकि नेटवर्क अच्छे से कनेक्ट हो जाए और अच्छे तरीके से कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। इसलिए यहाँ पर 60 सेकेंड का डिले दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग के कुछ मेन पॉइंट्स थे जिसको मैंने समझा दिए हैं। प्रोग्रामिंग सक्सेस होने के बाद अब हम पावर सप्लाई देते हैं। जैसे ही हम पावर सप्लाई देंगे हम देखते हैं कि GSM मॉड्यूल में नेटवर्क दिखाना स्टार्ट कर देता है। ये देखिए स्टार्टिंग में फास्ट ब्लिंकिंग हो रहा है, अब जब नेटवर्क मिल जाता है तो नेटवर्क मिलने के बाद स्लो ब्लिंकिंग होता है 2 सेकंड के इंटरवल में, और आर्डिनो में पावर सप्लाई आ चुका है। ये अपना मैसेज रिसीव करने के लिए मोबाइल भी रेडी है, और ये अपना इंफ्रारेड सेंसर। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको इंफ्रारेड सेंसर के रेंज को एडजस्ट करना पड़ सकता है, उसके पीछे एक स्क्रू ड्राइवर से हम इसके रेंज को सेट कर सकते हैं। तो अपना इंफ्रारेड सेंसर भी रेंज पूरा सेट हो चुका है, अब पूरा अपना रेडी है। देखते हैं अब कैसे काम करता है। तो अब इसमें हम डस्ट भरना चालू करते हैं। कुछ पुराने बॉक्सेस हैं जिसको हम इसमें भर के देखते हैं। अभी ये पूरा फुल नहीं हुआ है, जैसे ही फुल होगा तो मैसेज आएगा। ये देखिए अपना डस्टबिन अब फुल हो चुका है। अब फुल आते ही होते ही देखिए हमारे पास एक मैसेज आ चुका है, मैं आपको मैसेज को दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए अलर्ट डस्टबिन फुल, जो मैसेज हमने प्रोग्रामिंग में टाइप किया था वही मैसेज हमें यहाँ पर मिला है। तो दोस्तों है ना ये कमाल का प्रोजेक्ट स्मार्ट डस्टबिन, जिसे आप किसी भी साइंस प्रोजेक्ट या साइंस एग्जीबिशन में इसको दिखा सकते हैं, स्कूल के प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो ये कैसा लगा ये प्रोजेक्ट आपको हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक तो एक ज़रूर करेंगे, और नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। और आने वाले वीडियो में हम ऐसे ही ढेरों प्रोजेक्ट और नई नई जानकारियों के साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।